जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो सबसे ज्यादा डिमांड वाला वीडियो है कि सर एसएससी जीडी के लिए हमको सेफ स्कोर बता दो। सेफ स्कोर तो पूछते से रहे जैसे बहुत तगड़ा पेपर देके आए, और वो सेफ स्कोर वो भी पूछ रहे हैं जिनको भी चार दिन हुए तैयारी करते करते। अरे एसएससी जीडी है भाई, क्या समझ रखा है? इतनी आसानी से मिल जाएगी? इसकी मेरिट आसमान छूती है। 130, 140, 150 वाले बच्चे बैठे हैं, सुनाई नहीं देता तुमको? 25,000 पद है, तुमको 25,000 से ज्यादा लोग तो आसपास में मिल जाएंगे तुम्हारे, जो बोलेंगे मेरे 150 नंबर आ रहे हैं। हाँ ये सच्चाई है। अरे एसएससी जीडी सबसे प्रसिद्ध भर्ती हो गई है भारत की। अब अग्निवीर लागू होने के बाद में हर कोई कोशिश करता है कि मैं एसएससी जीडी के द्वारा फौजी बन जाऊं, क्योंकि स्थायी तो बन जाऊं, शादियां नहीं हो रही अग्निवीर के चक्कर में। तो भाई सबसे प्रसिद्ध भर्ती है एसएससी जीडी है, और इसमें बच्चे नंबर ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तैयारी करते समय हो गया साल डेढ़ साल, तुमको तैयारी करते चार दिन हुए, नए नए अभी हल्दी चंदन लगा नहीं तुम्हारे, चमक नहीं आई मेहंदी की, और तुम सोच रहे हो एसएससी जीडी की नौकरी पालोगे। आहा, अरे प्रभु ऐसा पॉसिबल नहीं है। एसएससी जीडी की तैयारी करनी है कम से कम खुद को एक साल तक तपाना पड़ेगा। एक साल तक अगर आप तपोगे तब जाके एसएससी जीडी में कहीं चांस बढ़ेगा, नहीं तो भूल जाओ, समझ गए? और आने वाली भर्ती के लिए तो मैं बोल रहा हूं, तो अभी से कमर कसेगा नहीं, उसका कोई चांस ही नहीं है। वो तो सपने में भी मत सोचना। अगली बार कट ऑफ पूछते फिरोगे, और कट ऑफ क्या, जब अपने नंबर बताओगे ना तो कट ऑफ लोग बताएंगे दुगुने नंबर पर, जैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो करें शुरू कट ऑफ, ध्यान रखना जो मैं आगे बता रहा हूं, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी। ऊपर की बात मैं नहीं करता, ऊपर तो पता नहीं कितनी चली जाएगी, नीचे की बात करता हूं कि इससे नीचे नहीं जाएगी किसी भी स्टेट की बनी। जिस दिन आए कटो मिला लेना आंकड़े, समझे मेरी बात को? क्या बोल रहा हूं मैं कि इससे नीचे कटो नहीं जाएगी, इससे ऊपर जा सकती है कितनी। अब ऊपर आप बोलोगे गुरु जी ऊपर वाला ही बता दो, अरे क्या बताते तुम अपने आस पड़ोस में, पता तो करो। लड़के नंबर बता रहे जी 155 नंबर है, 140, 145, 150। मैं तो इस चक्कर में हूं, उनके अगर नॉर्मलाइजेशन के अंक दे रहे हैं तो 170, 175 नंबर। आंखें खुली की खुली रह जा रही है, तैयारी की है भाई उन्होंने रात दिन, इसीलिए नंबर ला रहे हैं, तुम्हारे से आ नहीं रहे बेटे। तो चलिए बताते हैं आपको कि सबसे लोवेस्ट कट ऑफ कितनी रह सकती है, यानी इससे नीचे तो काला पानी की सजा है, इससे नीचे कट ऑफ जा ही नहीं सकती फिजिकल की, इससे नीचे बस काला पानी की सजा है। रात ही बीते हैं, समझ गए? चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम आते हैं असम राज्य पर। अगर आप असम राज्य बोर्ड, लड़कों की ध्यान रखना, लड़कों की कटो पाई, असम राज्य बोर्ड डिस्ट्रिक्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कम से कम 40 से ज्यादा अंक होने चाहिए, असम राज्य जनरल डिस्ट्रिक्ट 45 से ऊपर अंक होने चाहिए, असम राज्य बोर्ड एरिया एससी कैटेगरी 42 से प्लस अंक होने चाहिए, असम राज्य जनरल जनरल एरिया एससी कैटेगरी, जनरल एरिया एससी कैटेगरी 50 से प्लस अंक होने चाहिए फिजिकल क्वालिफाई होने के लिए, असम राज्य बोर्ड एरिया एसटी कैटेगरी 44 से प्लस अंक, असम राज्य जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 50 से प्लस अंक, असम राज्य जनरल एरिया ईडब्ल्यू अच्छा एक्स सर्विसमैन 34 से प्लस, असम राज्य बोर्ड एरिया ओबीसी कैटेगरी 45 से प्लस, असम राज्य जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 50 से प्लस अंक, असम राज्य बोर्ड एरिया जनरल कैटेगरी 50 से प्लस, असम राज्य जनरल एरिया जनरल कैटेगरी कम से कम 60 प्लस अंक होने चाहिए फिजिकल क्वालिफाई होने के लिए। इससे अगला जो राज्य अपने सामने आता है वो है बिहार। कहां से हो लाला? बिहार से। तो बिहार वालों सुन लो भाई, चलिए भाई जितने भी बिहार वाले ध्यान से सुन लेना, कैटेगरी वाइज जिले वाइज कटो बता रहा हूं। ऐसा वीडियो आपको पहली बार देखने को मिल रहा होगा पूरे यूट्यूब चैनल पे, कहीं नहीं मिले घूम फिर के, यहां आए यहां मिल गया, और काम भी बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी ठोक देना भाई। तो देखो बिहार राज्य से जितने भी बच्चे बोर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कम आपके 82 से ऊपर नंबर होने चाहिए, बिहार राज्य से जनरल एरिया से कोई बच्चा है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उसके कम से कम 110 से ज्यादा अंक होने चाहिए, बिहार राज्य नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 94 प्लस अंक होने चाहिए, बिहार राज्य बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 60 प्लस अंक, बिहार राज्य जनरल एरिया एससी कैटेगरी 89 प्लस अंक, बिहार राज्य नक्सल एरिया एसी कैटेगरी 72 प्लस अंक होने चाहिए, बिहार राज्य बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी 93 प्लस अंक होने चाहिए, बिहार राज्य जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 103 प्लस अंक होने चाहिए, बिहार राज्य नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 93 प्लस अंक होने चाहिए, बिहार राज्य जनरल एरिया
और सर्विसमैन अगर वो है तो 32+ अंक उसके होने ही चाहिए, ध्यान रखना किससे कितने होने चाहिए 32। अब आ जाते हैं बिहार की टॉप 1 पर, बिहार राज्य नक्सल एरिया एक्स सर्विसमैन के लिए 33+ होनी चाहिए, बिहार राज्य बॉर्डर एरिया ओबीसी कैटेगरी 87+ स्कोर, बिहार राज्य जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 112+ स्कोर होना चाहिए, बिहार राज्य नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी 97+, बिहार राज्य बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 92+, बिहार राज्य जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 115+, बिहार राज्य नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी 102+। समझ गए भाई बिहार वालों, समझ में आ गया होगा है। अब इसके बाद में अगला जो राज्य में हम चलते हैं, बिहार के बाद में मोस्ट मोस्ट जो राज्य है उनका बताने की कोशिश करूंगा भाई मैं। बिहार के बाद में हम चलते हैं सीधा दिल्ली, दिल्ली वाले सुन लेना भाई, जितने भी दिल्ली वाले हैं दिल से सुन लेना, आंकड़े बता रहा हूं उससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, समझ गए बात को, जो मैं आंकड़े बता रहा हूं उससे नीचे कट ऑफ है नहीं जाएगी, नहीं जाएगी भाई, कट ही नहीं जाएगी, इससे नीचे काढ़ा पानी की सजा है। दिल्ली वाले सुन लेना, जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 96 अंक कम से कम होने चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएगी, दिल्ली जनरल एरिया सारे जनरल एरिया है, एससी कैटेगरी 105 से नीचे नहीं जाएगी, एसटी कैटेगरी 81 से नीचे नहीं जाएगी, एक्स सर्विसमैन की 33 से नीचे नहीं जाएगी, ओबीसी कैटेगरी की 101 से नीचे नहीं जाएगी, जनरल कैटेगरी की 111 से नीचे नहीं जाएगी, इससे ऊपर कट ऑफ रह सकती है, इससे नीचे तो नहीं जाएगी, कोई संदेह नहीं, फिजिकली कट ऑफ की इससे नीचे चली जाए। ठीक है, अगली जो बात करते हैं उसके लिए हम चलते हैं गुजरात, कभी गए हो गुजरात, आओ कभी गुजरात, चलो घुमाते हैं गुजरात, अगर बॉर्डर एरिया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो 41 से ज्यादा नंबर होने चाहिए, इससे नीचे नहीं जाएगी, गुजरात जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 60+ अंक होने चाहिए, गुजरात बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 53+, गुजरात जनरल एरिया एससी कैटेगरी 70+, गुजरात बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी 32+, गुजरात जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 60+, गुजरात जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन 33+, गुजरात बॉर्डर एरिया ओबीसी 50+। चलिए भाई गुजरात वालों, गुजरात जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 70+ अंक होने चाहिए, गुजरात बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 61+, गुजरात जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 75+ अंक होने चाहिए, इससे नीचे तो कट ऑफ नहीं जाएगी, नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। इससे अगला राज्य है हरियाणा, हरियाणा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो 120+ अंक होने चाहिए, एससी कैटेगरी से 105+ होने चाहिए, एक्स सर्विसमैन है तो 32+ होने चाहिए, ओबीसी कैटेगरी से तो 116+ होने चाहिए और जनरल कैटेगरी से तो 122+ अंक आपके होने ही चाहिए, इससे नीचे तो हरियाणा की कट ऑफ नहीं जाएगी। समझ गए हरियाणा वालों, इससे नीचे तो कोई चांस ही नहीं है कि आपकी कट ऑफ चली जाए भाई। ठीक है, अगला जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, तो चलिए जो हिमाचल प्रदेश वाले हैं उनको भी बता देते हैं कि उनकी कहां कहां तक कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश अगर आप जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 91+ अंक होनी चाहिए, बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 40+ अंक होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश से जनरल एरिया एससी कैटेगरी 90+, बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी 52+ सॉरी, हिमाचल प्रदेश जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 101+, जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 92+, बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 48+, हिमाचल प्रदेश जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 105+ अंक आपके होने ही चाहिए, किससे प्लस 105 से ज्यादा अंक आपके होने ही चाहिए भाई। इसके बाद में हम ले लेते हैं अगला राज्य जो है वो ले लेते हैं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश वाले काफी मेरिट का इंतजार कर रहे हैं भाई, मध्य प्रदेश नक्सल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 40+ बेटा, मध्य प्रदेश जनरल एरिया एससी कैटेगरी 104+, मध्य प्रदेश नक्सल एरिया एससी कैटेगरी 55+, मध्य प्रदेश जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 86+, मध्य प्रदेश नक्सल एरिया एसटी कैटेगरी 71+, मध्य प्रदेश जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन 32+, मध्य प्रदेश जनरल एरिया ओबीसी कैटेगरी 117+, मध्य प्रदेश नक्सल एरिया ओबीसी कैटेगरी 78+, मध्य प्रदेश जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 120+, मध्य प्रदेश नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी 81+। ये है भाई मध्य प्रदेश वालों, समझ गए, ये मध्य प्रदेश के आंकड़े हैं। और इसके बाद में अगले जो आंकड़े हैं वो है महाराष्ट्र के, ठीक है,
जितने भी महाराष्ट्र वाले वो सुन लेना। महाराष्ट्र जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 77+, महाराष्ट्र नक्सल एरिया 40+ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ध्यान रखना, महाराष्ट्र एससी कैटेगरी जनरल 78, एससी कैटेगरी नक्सल 60+, महाराष्ट्र जनरल कैटेगरी एसटी 70, महाराष्ट्र नक्सल जो एरिया है उसमें एसटी कैटेगरी 63, महाराष्ट्र जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन 32, महाराष्ट्र जनरल एरिया ओबीसी 80, महाराष्ट्र नक्सल एरिया ओबीसी 63, महाराष्ट्र जनरल एरिया जनरल कैटेगरी 85, महाराष्ट्र नक्सल एरिया जनरल कैटेगरी 67। ये है महाराष्ट्र के आंकड़े, समझ के सुन लिए भाई, महाराष्ट्र वाले कान खोल के सुन लेना ध्यान लगा के, इससे नीचे कट ऑफ कतई ही नहीं रहेगी। ध्यान रखना जो मैं आंकड़े बोल रहा हूं, इससे नीचे कट ऑफ आपकी कतई ही नहीं रहेगी, कोई चांस नहीं है। अगला जो राज्य है वो है पंजाब, पंजाब राज्य वाले सुन लेना भाई, अगर आप बॉर्डर एरिया से हैं तो कम से कम 40 ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जनरल एरिया 40, बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 44, जनरल एरिया एससी कैटेगरी 62, जनरल के बॉर्डर एरिया ओबीसी 41, जनरल एरिया ओबीसी 61, बॉर्डर एरिया जनरल 55, जनरल एरिया जनरल 73, इतने नंबर होने चाहिए। और इससे अगला मुख्य राज्य राजस्थान है भाई, ध्यान से सुन लेना भाई राजस्थान वाले, के कटे शेखावाटी है तो कटे बोली मारवाड़ी जयपुर की सीटों के लाभी मारी राजधानी, तो राजस्थान वालों सुन लो, आसमान सुनने वाले मेरिटों में से एक राज्य है राजस्थान, के राजस्थान मारो राजस्थान, राजस्थान अगर आप बॉर्डर एरिया चाहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 71+ अंक आपके होने चाहिए, राजस्थान में आप जनरल एरिया चाहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो कम से कम 115+ अंक होने चाहिए, राजस्थान बॉर्डर एरिया से आते हैं एससी कैटेगरी से तो 75+ आपके अंक होने चाहिए, कितने प्लस 75 से ज्यादा अंक आपके होने ही चाहिए। चलो भाई राजस्थान जनरल एरिया से आते हैं एससी कैटेगरी से 105+ अंक होने चाहिए, लाख लो राजस्थान से हैं बॉर्डर एरिया से आते हैं एसटी कैटेगरी से 32+ अंक होने चाहिए, राजस्थान से हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं एसटी कैटेगरी में आते हैं 112+ अंक होने चाहिए, राजस्थान से हैं बॉर्डर एरिया से ओबीसी कैटेगरी में 90+ अंक होने चाहिए, राजस्थान में हैं जनरल एरिया में आते हैं ओबीसी कैटेगरी है 120+, किसने प्लस 120+ जाएगी भाई, राजस्थान से है बॉर्डर एरिया और जनरल कैटेगरी 96+, राजस्थान से जनरल कैटेगरी जनरल एरिया 125 के आसपास, 122 से नीचे तो मेरिट नहीं रहेगी, ठीक है इससे नीचे मेरिट के आंकड़े नहीं रहेंगे, मैं जो बता रहा हूं आंकड़े ये वो बता रहा हूं जो हाईएस्ट है। इसके बाद में आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कौन से प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 83, अगर आप उत्तर प्रदेश से जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 120, इससे ऊपर रहेगी कट ऑफ, इससे नीचे के कोई चांस नहीं, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया एससी कैटेगरी 72, उत्तर प्रदेश जनरल एरिया एससी कैटेगरी 109, उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया एसटी कैटेगरी 92, ध्यान रखना इससे ऊपर रहेगी इससे नीचे नहीं रहेगी। मैं आपको कौन से आंकड़े बता रहा हूं कि सबसे लोवेस्ट, यानी इससे नीचे तो कतई फिजिकल की कट ऑफ नहीं रहेगी, ये हद है, इससे नीचे कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश जनरल एरिया एसटी कैटेगरी 103+ रहेगी, उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया एक्स सर्विसमैन के लिए 36+ रहेगी, उत्तर प्रदेश जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन के लिए 32+ रहेगी, उत्तर प्रदेश ओबीसी कैटेगरी बॉर्डर एरिया से 90+, उत्तर प्रदेश जनरल एरिया से ओबीसी कैटेगरी 121+, उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया जनरल कैटेगरी 96+, उत्तर प्रदेश जनरल एरिया से आते हो जनरल कैटेगरी से आते हो तो 123, कितनी 123, ध्यान रखना 123 से ज्यादा अंक आपके होने ही चाहिए। तो ये है भाई लड़कों की कट ऑफ के पूरे के पूरे अनुमान, जो आंकड़े मैंने बताया है इससे नीचे अगर आपके नंबर है या इसके आसपास में आपके नंबर है, यानी अगर 2 नंबर 4 नंबर आपके से ज्यादा या कम है, कम है तब तो कोई तकलीफ नहीं है, अगर इससे ज्यादा भी है तो आप मान के चलना कि ये भर्ती आपके लिए नहीं है, आपको अगली भर्ती की तैयारी करनी है। जो आंकड़े मैं बता रहा हूं इससे अगर ज्यादा भी आंकड़े आपके हैं, इससे अगर 2-4 नंबर ज्यादा भी है तो भी ये सोचना कि ये भर्ती मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूं मैं, फाइनल कट ऑफ नहीं। फाइनल कट ऑफ में से जिंदगी आसमान छुएगी और तुम सोच नहीं सकते उतनी ऊपर जाएगी, हलवा नहीं है कि चटकारे मार के खा लोगे, एसएससी जीडी है,
और नौकरी पक्की है तो तैयारी भी पक्की चाहिए, एक साल से ज्यादा समय की। ठीक है, जिनके नंबर कम है ना, अभी से तैयारी लग जाओ अगस्त वाली भर्ती के लिए, तब जाके सीट पक्की होगी। अगली बार बोलना गुरुजी 160 में से 150 नंबर है, नंबर आ जाएगा क्या, फिर बताएंगे, देखिए कटौती कितनी गिर सकती है अगली की। ठीक है लाडलो, जय हिंद जय भारत।